सिम कार्ड स्वैप के बारे में तो आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा। 2018 में आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर हैकर बहुत आसानी से सिम कार्ड स्वैप टेक्निक की मदद से कैसे लाखों करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर लेता है और ऐसे में यूज़र को पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर क्या आप सभी लोग यकीन मानोगे कि सिम कार्ड स्वैप टेक्निक की मदद से एक इंडियन बिजनेसमैन की रातों रात करोड़ों रुपए चुरा लिए गए और ऐसे में उसे सुबह होने तक बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपके साथ भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, तो ऐसे में आपको सावधान रहना, अलर्ट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम एक नज़र इस करोड़ों के स्कैम स्टोरी पर डालें तो हुआ क्या था, बिजनेसमैन को रात को करीब 2 बजे के आसपास कॉल आई थी और जब उसने उठ के अपने फोन को चेक करा तो उस नंबर पे टोटल 6 मिस कॉल थे सेम नंबर से, और नंबर को चेक किया गया था तो वो नंबर यूके का था और उसका कंट्री कोड था +44। तो जब उस बिजनेसमैन ने इस पे दोबारा से कॉल बैक किया तो कॉल नहीं जा रही थी, उनका जो नंबर था वो ब्लॉक था, डीएक्टिवेट था। तो इसकी जानकारी के लिए उन्होंने कस्टमर केयर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि आपके कहने पे ही आपका जो नंबर है उसे डीएक्टिवेट कर दिया गया, यानी कि ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अटपटा लगा। बाद में और जांच से ये पता चले कि यहाँ पर बिजनेसमैन के बिजनेस अकाउंट से करीब 1.8 करोड़ रुपये के आसपास जो पैसे थे वो रातों रात करीब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो यहां पर जब यह सूचना बैंक को दी गई तो बैंक ने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करे तो यहां पर करीब 20 लाख रुपए जो पैसे थे वो करीब वापस रिकवर हो गए थे और बाकी जो पैसे थे वो ओम भट्ट स्वाहा हो चुके थे। तो यहाँ पर ये जो न्यू केस है सिम कार्ड स्वैपिंग का, ये लेटेस्ट है और बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे और भी फ्रॉड हुए थे 2018 में सिम कार्ड स्वैपिंग को लेके, जिसकी मदद से कई सारे लोगों के कई सारे लाखों करोड़ों रुपए लूटे गए थे। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है कि आखिर में ये सिम कार्ड स्वैप क्या है, ये कैसे काम करता है, कैसे हैकर सिम कार्ड स्वैप टेक्निक की मदद से आपके अकाउंट से पैसे को चुरा लेता है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर में भैया इस फ्रॉड से, इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जानना है तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हमेशा की तरह दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। वेल गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में ये सिम स्वैप क्या है, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आसान और सिंपल भाषा में कहूँ तो सिम स्वैप का मतलब होता है कि फिलहाल अभी आपके पास जो भी नंबर है जिस भी ऑपरेटर का, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जियो हो, किसी भी ऑपरेटर का सिम आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस सिम को फिलहाल आप डीएक्टिवेट करके या फिर ब्लॉक करके या फिर कह लो बंद करके आप एक नया सिम लेना चाहते हो सेम नंबर से, तो इसे हम सिंपल भाषा में सिम स्वैप कहते हैं। तो यहाँ पर हैकर इसी सिम स्वैप टेक्निक मेथड का इस्तेमाल करता है जहाँ पर वो आपके पास, यानी आप अभी फिलहाल जो भी नंबर यूज़ कर रहे हो उसे ब्लॉक करवा देता है या फिर बंद करवा देता है और उसके बाद एक नए सिम कार्ड में उस नंबर को ले लेता है, जिसके बाद हैकर के पास पूरा कंट्रोल रहता है सिम कार्ड का। मतलब कोई भी आपको कॉल करेगा, कोई भी SMS आएगा, कोई भी OTP आएगा, तो ऐसे में आपके पास जो सिम है वहाँ पर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा क्योंकि आपका जो सिम है वो बंद है। जो नए सिम में जो नंबर लिया गया है उस सिम कार्ड में जो भी पूरी डिटेल्स है, मैसेज है, कॉल से वो जाएंगी। तो यहां पर इसी की मदद से हैकर जितने भी ऑनलाइन स्कैम होते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं सिम स्वैपिंग के, वो पॉसिबल कर पाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में हैकर सिम स्वैप कैसे कर लेते हैं बिना हमारे परमिशन के, बिना हमें पता चले। तो यहाँ पर सिम स्वैप करने के कई सारे टेक्निक मेथड हो सकते हैं जिनमें कुछ पॉपुलर है, जैसे कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हो गया, फ़ोन कॉल की मदद से हो गया, या फिर किसी भी तरह के हैकिंग टेक्निक की मदद से। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में, यानी सिम स्वैप प्रोसेस में, हैकर सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स को निकालने की कोशिश करता है, जैसे कि आपका रियल नेम क्या है, आपका रियल फ़ोन नंबर कौन सा है जो बैंक से कनेक्टेड है, आपका ID क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो एक सिम कार्ड स्वैप करने के लिए चाहिए, उन सभी को सबसे पहले हैकर निकालने की कोशिश करता है। अब ये इन्फॉर्मेशन हैकर आपसे कैसे निकाल सकता है, इसके कई जरिए हो सकते हैं। जी हाँ, हैकर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है क्योंकि आजकल मोस्टली सभी लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं, रियल नाम डाल देते हैं, या फिर इसके अलावा हो सकता है कि हैकर ने कोई फिशिंग करा हो, या फिर हैकर ने आपके फ़ोन में कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल कर दिया हो, या फिर इसके अलावा कई और सारे तरीके हो सकते हैं जो हैकर इस्तेमाल कर सकता है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए, जो कि एक सिम कार्ड स्वैप करने के लिए, यानी सिम कार्ड लेने के लिए चाहिए होता है।
आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो लोग ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पर हैकर किसी ना किसी तरह आपके बैंक इन्फॉर्मेशन को, आपके बैंक की डिटेल्स को, आपका अकाउंट नंबर, आपके एटीएम का पिन नंबर, आपके एटीएम का सीवीवी नंबर, आपका एटीएम नंबर, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेता है। तो उसके बाद हैकर सिम स्वैप करने की कोशिश करता है। तो एक बार अगर आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका जो भी आईडी कार्ड है, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर हैकर के पास पहुंच जाता है तो वो क्या कोशिश करता है, वो एक नया और एक फेक आईडी कार्ड बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास आ जाती है तो उसके बाद वो करता क्या है, आपके पास फिलहाल अभी जो भी आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो जो कि आपके बैंक से रजिस्टर्ड है, उस सिम नंबर को सबसे पहले ब्लॉक करवाने की, बंद करने की कोशिश करता है और उसके बाद एक नया सिम लेता है जिस पे सेम नंबर जो आप यूज़ कर रहे हो वो उसमें पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए हैकर कस्टमर केयर के पास जाता है, उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मेरा सिम कार्ड ख़राब हो गया है, तो मुझे एक नया सिम कार्ड चाहिए सेम नंबर से। तो यहाँ पर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी आईडी कार्ड, जो कुछ भी डिटेल्स चाहिए वो वहाँ पर हैकर उन कस्टमर केयर को या फिर कह लो ऑपरेटर वालों को प्रोवाइड कर देता है, तो वो एक नया सिम ले पाता है जिसके बाद आपके पास जो भी सिम कार्ड है वो बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और जो नया सिम कार्ड है वो हैकर के पास चला जाता है। या फिर इसके अलावा हैकर हो सकता है कि आपको कॉल करे और ऐसा दिखावा करे कि वो आपको कस्टमर केयर से कॉल कर रहा है, मतलब आपको फ़ोन आएगा और आपसे कहेगा कि हाँ हम आपके एक नेटवर्क कंपनी से बात कर रहे हैं, जो भी जैसे जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया, तो हम यहाँ पर एयरटेल से बात कर रहे हैं, ऐसे हमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर हैकर इतनी प्रोफेशनल तरीके से बात करेगा कि आपको वाकई में लगेगा कि हाँ यार ये कंपनी से कॉल आई है तो ऐसे में हमें इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। तो यहाँ पर वो हैकर धीरे धीरे करके आपकी सारी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो OTP ले लो या फिर कह लो बैंक डिटेल्स ले लो, आपका फोन नंबर हो गया जो आपके बैंक रजिस्टर से, वो सारी चीजें ले लेता है। तो यहां पर हैकर बोलता है कि सर हमें सिस्टम को अपडेट करने के लिए आपके फोन नंबर पे एक OTP आएगा, तो वो OTP हमें चाहिए, तो आप हमें बता सकते हैं। तो यहां पर आप उन्हें कन्विंस कर देता है आपको वो हैकर और आप उन्हें OTP बता देते हो। तो यहां पर एक बार उस यूजर के पास, उस हैकर के पास OTP चला जाता है या फिर जो भी सिम प्रोसेस होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो हैकर के पास एक सिम कार्ड का पूरा एक्सेस आ पाता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार अगर हैकर के पास वो सिम कार्ड आ गया, आपके बैंक की सारी डिटेल्स हो, ATM की सारी डिटेल्स हो, तो ऐसे में वो हैकर आसानी से ऑनलाइन आपके पैसे को किसी भी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है OTP के जरिए, और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो नंबर है जो आप अभी अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर रहे हो वो सिम कार्ड तो ब्लॉक है, बंद है, आपका सिम कार्ड कोई और इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसे में आपको खाक पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हैकर सिम कार्ड अपग्रेड और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मदद से भी आपके सिम को स्वैप कर सकता है। यहाँ पर बस एक SMS की ज़रूरत है आपके सिम कार्ड को अपग्रेड करने के लिए एक नए सिम में, या फिर आपको एक कोड की ज़रूरत होती है मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए एक दूसरे ऑपरेटर में। तो यहाँ पर इन सभी मैथड को, इन सभी टेक्निक को अपना के हैकर आपके सिम कार्ड को स्वैप कर सकता है और आपके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड कर सकता है। इन सभी चीज़ों के अलावा यहाँ पर एक और सबसे बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिर में भैया यहां पर सिम स्वैप फ्रॉड से, ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचे। वेल, इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है जिससे आप बहुत ही आसानी से सिम स्वैप फ्रॉड से बच सकते हैं। नंबर 1, अपने किसी भी तरह के पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपका रियल नेम हो गया, आपका होम एड्रेस हो गया, आपका ID प्रूफ हो गया, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया, ऐसे किसी भी तरह के जो कि आपके सिम कार्ड से कनेक्टेड है, आपके बैंक से कनेक्टेड है, उस तरह के किसी भी इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ना डाले, चाहे वो आपका फ़ोन नंबर हो, चाहे आपका एड्रेस हो। अगर आप डाल भी रहे हो तो उसे कोशिश करें कि प्राइवेट कर दे, कभी भी पब्लिक ना करें। ऐसे में हैकर उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है सिम स्वैपिंग के लिए या फिर बहुत ही बड़े फ्रॉड के लिए। नंबर 2, किसी भी तरह के SMS या फिर ईमेल आने पे उस ईमेल या फिर SMS को फॉलो ना करें, किसी भी तरह के SMS में आए गए लिंक पे क्लिक ना करें, ना ही ईमेल पे अगर किसी तरह का ईमेल आता है और आपको लिंक पे क्लिक करने के लिए कहता है तो ऐसे किसी भी तरह के स्टेप्स को बिल्कुल फॉलो ना करें, वहाँ पर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, ना ही अपने फ़ोन में उस लिंक से किसी भी तरह के ऐप को इंस्टॉल करें, वरना आप ऑनलाइन सिम स्वैपिंग या फिर ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं।
नंबर 3, किसी भी तरह के अननोन ऐप्स या फिर ऐसी वेबसाइट जिसके यूआरएल में HTTPS ना हो, उन वेबसाइट में किसी भी तरह के पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर ऐसे ऐप जो कि ट्रस्टेड नहीं हो, जहां पर आपने थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करा है, या फिर ऐसा ऐप जो कि बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, उन सभी चीज़ों में इस तरह के किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ना डालें। इससे भी आपका जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, उसका मिसयूज हो सकता है। नंबर 4, अगर आपको किसी भी कंपनी की तरफ से या फिर किसी भी ऑपरेटर की तरफ से कॉल आए और वो आपसे कहे कि हम इस ऑपरेटर एयरटेल, जियो, वोडाफोन की तरफ से बात कर रहे हैं और ऐसे में हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं और आप अपना सिम पोर्ट करवाना चाहते हैं, या फिर आपको किसी भी कंपनी से कॉल आ रहा और आपसे बोले कि हमें आपकी ये डिटेल्स चाहिए सिस्टम को अपडेट करने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए, तो यहाँ पर इस तरह की किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उन लोगों के साथ, उन फ्रॉड वालों के साथ शेयर ना करें। या फिर इसके अलावा अगर आपसे कोई भी OTP के बारे में पूछे तो गलती से, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही आके आपसे क्यों ना बोले OTP बताओ, तो बिल्कुल भी गलती से OTP मत बताना किसी भी तरह के, कोई भी आपसे आके पूछे, क्योंकि अगर एक बार OTP दे दिया तो ऐसे में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपका जो सिम कार्ड है वो काम नहीं कर रहा, सिम कार्ड बंद हो गया है 4-5 घंटे तक, तो ऐसे में आपको सावधान हो जाना चाहिए और अपने ऑपरेटर से बात करना चाहिए कि आपका जो सिम कार्ड का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सिम कार्ड से कॉल नहीं जा रही है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जिससे आप बहुत आसानी से सिम स्वैप से बच सकते हो। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सिम स्वैप क्या है, किस तरह से काम करता है, कैसे हैकर आपके सिम को स्वैप कर लेते हैं और इससे आप सभी लोग कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, क्योंकि आप ज़्यादा लाइक करोगे तो ये वीडियो और ज्यादा लोगों को रेकमेंड होगा और ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सकेगा। तो बस यार, इस वीडियो का बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे, कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इसी तरह के, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।